यदि आपका भी अभी अभी एनपीएस में खाता खुल गया है या फिर 3-4 महीने से कंटिन्यू खुला हुआ है और आपका कंट्रीब्यूशन भी जमा होना चालू हो गया है आपके एनपीएस खाते में, तो फ्रेंड्स जो एनपीएस खाता होता है इस पे आपको एक प्रान कार्ड मिलता है। हालांकि प्रान नंबर तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट होता है तभी मिल जाता है, और उसके बाद से इसे आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी। लेकिन फिजिकल कॉपी आपके घर पे आता है और घर पे अभी भी नहीं आया है, जैसे कि काफी लोगों के कमेंट रिसीव हो रहे थे, सर मेरा प्रान कार्ड मिला ही नहीं है, मुझे घर पे भी नहीं आया है, और काफी लोगों के तो स्टेटस भी कुछ नहीं शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप ऑनलाइन ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं। अब कंटेंट आपको क्या लिखना है, क्या क्या ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, कोई सा भी ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना है एनपीएस। देखिए यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल गई है। अब इस वाली वेबसाइट पे आपको चले जाना है। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर के आ चुकी है। अब नीचे की साइड आएंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा लॉगिन विद प्रान, इस पे आपको सेलेक्ट कर देना है। अब उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यूजर आईडी एंटर करना है, यानी कि जो आपका प्रान नंबर होता है ना वो ही आपको एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा जो लिखा हुआ है ना ये हर बार अलग अलग आता है, तो ये आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद से चेकबॉक्स पे सेलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है। देखिए फ्रेंड्स यदि आप पहली बार इस वेबसाइट पे आ रहे हैं, आपको प्रान नंबर मिल गया है, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम लॉगिन आपको करना होता है, पासवर्ड बनाना होता है, किस तरीके से बनाते हैं इसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सफलतापूर्वक हम लॉगिन हो चुके हैं। अब उसके बाद से आपको देखने को मिलेगा ग्रीवेंस का ऑप्शन। अब इसमें दो ऑप्शन है, एक से तो आप ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं और दूसरे से इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो हमें अभी रजिस्टर करना है, हमने अभी किया ही नहीं है कोई ग्रीवेंस, तो इसलिए यहाँ पे लोग ग्रीवेंस रिक्वेस्ट पे सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट लैंग्वेज। अब यहाँ पे दो टाइप का लैंग्वेज देखने को मिल रहा है, हिंदी एंड इंग्लिश। जैसे बाय डिफॉल्ट इंग्लिश है, इसको हमने हिंदी में कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे हिंदी में देखने को मिल गया सारी जानकारी, लेकिन अभी फिलहाल में हमको इंग्लिश में ही रखना है, तो इसलिए हम इंग्लिश वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है प्रोसीड, प्रोसीड आपको कर देना है। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है न्यू ग्रीवेंस या फिर इंक्वायरी रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपकी प्रीफिल्ड रहेंगे, जैसे सब्सक्राइबर प्रीफिल्ड है, आप सब्सक्राइबर हो, और यहाँ पे आपका प्रान नंबर फील्ड रहेगा। अब उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो फील करना है वो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी करना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर करना है। हालांकि ये भी प्रीफिल्ड होना चाहिए क्योंकि हम तो लॉगिन करके आ रहे हैं और इसमें डिटेल्स सारी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे एंटर कर लिया है। अब उसके बाद से यहाँ पे ग्रीवेंस डिटेल्स, देखिए यहीं पे आपको विशेष ध्यान रखना है, दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो इंक्वायरी का है और एक ग्रीवेंस का है, तो आपको यहाँ पे ग्रीवेंस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। अब उसके बाद से देखने को मिलेगा ग्रीवेंस की कैटेगरी। देखिए ग्रीवेंस की कैटेगरी किस टाइप की है, तो भैया हमारा प्रान से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे काफी सारी क्वेरी देखने को मिल रही है, जो कैटेगरी है कैटेगरी काफी सारी है, विथड्रॉल से रिलेटेड है या फिर और भी कोई है। तो देखिए यहाँ पे अभी तो फिलहाल में हमारा प्रान से रिलेटेड है क्योंकि प्रान कार्ड मिला नहीं है, उसके लिए हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद से सब कैटेगरी भी आपको चूज करनी है कि भैया प्रान में किस टाइप की दिक्कत है आपको, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा सेलेक्ट वन। अब इसमें देखिए प्रान अकाउंट एक्टिव नहीं हो रहा है या फिर कोई एरर आ रहा है या फिर रिसीव ही नहीं हुआ है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्रान कार्ड नॉट रिसीव्ड पहले से ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है क्योंकि इनको पता है कि काफी लोगों को नहीं मिलेगा और वो ग्रीवेंस रजिस्टर करना चाहेंगे, तो आपके लिए ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो देखिए हम सेलेक्ट कर लेंगे प्रान कार्ड नॉट रिसीव्ड। अब यहाँ पे हालांकि कुछ दिया नहीं है, नो रिकॉर्ड है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे आपको यस नहीं करना है, यहाँ पे नो करना है। पूछा जा रहा है कि आप सेटिस्फाइड है ये इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड किया है उससे, तो भैया इन्फॉर्मेशन ही कोई नहीं है तो इसे क्या सेटिस्फाइड रहोगे आप, और अगर इन्फॉर्मेशन भी रहेगा यस करोगे तो आप ग्रीवेंस नहीं रजिस्टर कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे नो करेंगे क्योंकि हम सेटिस्फाइड नहीं है, तब आप ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अब हालांकि यहाँ पे बोला जा रहा है यू मस्ट हैव इंटर एक्नोलॉजमेंट नंबर आईडी मोबाइल नंबर, तो ये तो हमने फिल किया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पीआरएन नंबर ट्रांजेक्शन आईडी पूछ रहा है, तो हमारे पास कोई ऐसा नहीं है पहले से, तो यहाँ पे हम अपना प्रान नंबर भी ही एंटर कर लेंगे। देखिए और उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा नीचे की साइड आ जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है ग्रीवेंस रेज्ड अगेंस्ट, तो यहाँ पे सीआरए के अगेंस्ट ही होता है तो इसलिए ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम क्या है वो लिख देना है।
तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे प्रॉब्लम लिख दिया है, रेस्पेक्टेड सर मैम आई हैव नॉट रिसीव माय पैन कार्ड एट, अभी तक हमको पैन कार्ड मिला ही नहीं है मेरा, और ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं मिला है अभी तक, और कब तक मिल जाएगा प्लीज बताइए। तो इन्होंने एक लाइन में सब कुछ लिख दिया है, कुछ इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में। अब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या इससे पहले भी आपने कोई ग्रीवेंस इस रिलेटेड रजिस्टर किया था, तो किया था तो यहाँ पे चेकबॉक्स पे सिलेक्ट करना है और उसका टोकन नंबर आपको देना है। देखिए टोकन नंबर आपको मिलता है, अगर टोकन नंबर के बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो इस पे डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है, कवर किया हुआ है, वो वीडियो आप चेकआउट कर लेना। तो फिलहाल में हमने अभी कोई भी ग्रीवेंस नहीं रजिस्टर किया है, इसके लिए पहली बार कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे अनटिक कर देंगे। अब उसके बाद ग्रीवेंस आप किसके अगेंस्ट रजिस्टर कर रहे हैं, तो भैया यहाँ पे सीआरए ही आएगा, तो सीआरए हम सिलेक्ट कर लेंगे। कोई डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेकबॉक्स पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से चूज करके कर लेंगे। तो इसमें कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो इसलिए हम यहाँ पे अनटिक रहने देंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो प्रोसेस है वो हो रहा है और आपको कुछ इस तरीके से कर देना है। यहाँ पे ध्यान रखना है टोकन नंबर मिलेगा, देखिए योर टोकन नंबर इज, देखिए आपका ये जो टोकन नंबर है ना ये ध्यान रखना है, हालांकि बाद में इसका डिटेल्स भी आपको मिल जाता है और आप चेक कर पाओगे कि स्टेटस क्या है। और देखिए यहाँ पे अगर जनरेट पीडीएफ करेंगे ना तो यहाँ पे आपको एक पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड हो जाता है। पीडीएफ फाइल में आपका सारा डिटेल्स रहेगा कि आपने कब किया है, किस लिए किया है और क्या लिखा हुआ था आपने। चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी और यहाँ पे एक्नोलॉजमेंट ऑफ ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन, और देखिए यहाँ पे आपको डेट देखने को मिल जाएगा कब आपने किया था, किसके अगेंस्ट किया था, रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिला टोकन नंबर, ये महत्वपूर्ण है, बाकी ये तो लगभग सब में सेम ही रहता है, आप भी करोगे तो आपका भी यही रहेगा, तो इसलिए मैं इसको हिडन नहीं करूंगा, लेकिन ये अलग अलग रहता है। बाकी आपने किस लिए किया वो सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपका जो भी मैसेज है। हालांकि एनपीएस की टीम के द्वारा बहुत ही जल्द इसमें रिस्पांस मिल जाता है, हमारे इस केस में क्या रिस्पांस मिलता है, कितनी देर का टाइम लगता है, इसके लिए मैं डिटेल्स वीडियो जल्द ही ले आऊंगा अपने चैनल पे जैसे ही ये आगे का प्रोसेस हो जाता है। हालांकि इससे पहले भी काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है एनपीएस टीम के द्वारा, 2 दिन के अंदर में ही रिप्लाई कर दिया गया है और जो हमारा प्रॉब्लम था इससे पहले का जो हमने ग्रीवेंस रजिस्टर किया था वो भी सोल्व कर दिया गया था। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, आपकी भी प्रॉब्लम जल्द ही सोल्व हो जाएगी।